चांद पर झंडा होने में और झंडे पर चांद होने में औकात का फर्क होता है। फिर सोचा गधे पर गाड़ी बांध के न चांद पर हम भी पहुंचा देंगे यार, यह कोई बात थोड़ी हुआ है। और चांद ते बैठ रहे सनीदेव ने नलका भी ना पाटा था इबकत है हुए था भाज गया सारा पाकिस्तान। भाई ये इसरो पर और मोदी जी पर तंच नहीं कसरे भाईओ, दर्द उठा है। अरे ओ भाई दर्द उठते रहना चाहिए आदमी के। फिल्म बनावे भाई हजार हजार करोड़ की, 800-800 करोड़ की, 600 करोड़ में तो हमने चांद पर रॉकेट भेज दिया। हमारे देश की सफलता देख कर, हमारे देश की तरक्की देख कर जो आदमी हमारे देश का खुश नहीं है तो हमारे देश का कैसे हुआ। जब देश आजाद हुआ था प्रधानमंत्री के दो दावेदार थे, देश के तीन टुकड़े हुए थे देश के। प्रधानमंत्री पद के दावेदार 28 हो रहे हैं, देश के कितने टुकड़े होंगे वह चीज आप देख लो। वह चीज हिंदुस्तान की जनता के ऊपर छोड़ दो। चंद्रयान पहुंच गया, वहाँ बढ़िया पानी भी मिला है, वहाँ हर बढ़िया बोएंगे, वहाँ पे गेहूं अब ऊपर कटेंगे बड़ा प्लाट। फिर एक प्लाट तू भी ले लिया, इतने पैसे कमा ले जोड़ ले, और बढ़िया रोड भी बनेगा, बढ़िया काचे काटेंगे ऊपर रह करेंगे। प्लॉट कटेंगे चांद पे, चांद पे प्लॉट कटेगा, रोड भी बनेगा, जहाज जाया करेगा सीधा नूगा नू उतरेगा। ऐसा ना हो कि चांद को भी वक्फ बोर्ड की जमीन बता दिया जाए। पागल हो गया, रजिस्ट्री मोदी के नाम तो होगी उसकी, सिर्फ सिग्नेचर उससे होंगे। नमस्कार, मैं शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज हिंदी। भारत ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है भारत। इसके साथ साथ देश में राजनीति भी शुरू हो गई है। कुछ लोगों ने और खासकर कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने ये बोलना शुरू कर दिया है कि इसरो की जो कामयाबी है इसका श्रेय भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जाता है। कुछ लोग आज हमारे साथ मौजूद है इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। आज बताइए, आज जब भारत ने इतनी बड़ी उपलब्धि पूरी दुनिया में अपना नाम बना लिया, कैसा लग रहा है इस पूरे मौके पर? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बढ़िया, खुशी का मौका है, बढ़िया बात है ये। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, अभी चंद्रयान पहुँच गया, वहाँ बढ़िया पानी भी मिला है, वहाँ और बढ़िया बोएंगे वहाँ पे गेहूं। हाँ अब ऊपर कटेंगे बड़ा प्लाट, फिर एक प्लाट तू भी ले लिया, इतने पैसे कमा ले जोड़ ले, और बढ़िया रोड भी बनेगा, बढ़िया काचे काटेंगे ऊपर रह करेंगे। प्लॉट कटेंगे चांद पे, चांद पे प्लॉट कटेगा, रोड भी बनेगा, जहाज जाया करेगा सीधा नूगा नू उतरेगा। ऐसा ना हो कि चांद को भी वक्फ बोर्ड की जमीन बता दिया जाए। हाँ पागल हो गया, रजिस्ट्री मोदी के नाम तो होगी उसकी, सिर्फ सिग्नेचर उससे होंगे। बता चांद बड़े भी राजनीति होगी भाई, बड़े भी राजनीति कर दी बड़े भाई। बढ़िया था पानी मिला, मीठा पानी है, तू चेक करके देखे जब तू जाएगा, नंबर जरूर आओगा तेरा मौका मिला तो मौका मिला तो जरूर जाएंगे। फिलहाल बात उठ रही है इसका ना क्रेडिट खींचा जा रहा है, कहा जा रहा है कि नेहरू जी को इसका श्रेय जाता है, क्योंकि नेहरू जी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इसरो की स्थापना की थी। नेहरू जी का सपना था कि भारत चांद पर पहुंचे। नेहरू ने पता था चांद के चीज थी उस टाइम पे, बेरा था नेहरू ने तो भाई देख मोदी का सपोर्ट था पूरा सारा वो था, तो इसलिए हो गया ये काम, नहीं तो नहीं होता ना, तो कांग्रेस के राज में नहीं हुआ था आज तक, कभी गया था चंद्रयान देखा था आप लोगों ने? नहीं था ना, है ना, जो भी काम होता था उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठ जाता था, वहीं की वहीं बंद हो जाता। आज क्यों नहीं उठ रहा? आज पहुंच गया, सक्सेसफुल हो गया, आज देख लो तुम्हारे लोगों के सामने। अब तुम्हारी आंख बंद है, तुम लोग ये सोच रहे हो नेहरू ने करा फलाना करा, नेहरू वेहरू ने कुछ नहीं करा, जो अब कर रहा है तो मोदी कर रहा है, क्या चीज नहीं कर रहा। आज भारत देश में चले जाओ झंडा लहर रहा है हर देश में, बताओ कौन से देश में देखते है तुम झंडा? देखते थे कभी? कभी नहीं था झंडा कहीं पे भी देश का। अब अपने देश में भारत देश के आदमी वो आएंगे राष्ट्रपति यहाँ आएंगे, देखना कैसा स्वागत होगा। क्यों आ रहे हैं? आएंगे ना, देखोगे ना, 7 तारीख नजदीक आ रही है, जब देख लेना। बताओ कौन से देश के आए थे 4-4, 5-5 राष्ट्रपति आए थे कभी? तो बस यहीं पे देख लो वैल्यू है। हमारे ही देश के कई लोग हैं जिनको बहुत मिर्च लग रही है कि हमारे जो वैज्ञानिक है वो तिरुपति बालाजी मंदिर क्यों चले गए, उनको अंधभक्त बोला जा रहा है, वैज्ञानिकों को बोला जा रहा है। देखो भगवान है धरती पे, जब भी तो चले गए, कुछ था उनको भी लगा, जब भी तो चले गए वो ना। साइंटिस्ट तो ऐसी चीज है, वो किसी को मानते ही नहीं कि धरती पे कुछ है, उनको लग रहा है जब भी तो वो मान रहे हैं कि धरती पे है कुछ, हम जा रहे भगवान पे जाना गलत है। तुम भी तो भाई भगवान पे जाते होगे, हम भी तो भगवान पे जाते हैं, सब जाते हैं, भगवान पे जाना गलत नहीं, भगवान के बिना तो कोई कार्य पूरा नहीं हुआ आज तक। ये लोगों की सोच है, अंधविश्वास है लोगों का, ये करते रहते हैं, ठीक है। और एक्टर है प्रकाश राज, उन्होंने एक मीम शेयर किया था हमारे वैज्ञानिकों पर, मीम बनाया कि जो हमारे वैज्ञानिक है वो चाय छान रहे हैं और वो चांद का आकार ले रही है चाय छानते हुए, तो कहीं ना कहीं मोदी जी पर और वैज्ञानिकों पर तंज कसा जा रहा है बहुत ज्यादा। देखो मोदी जी एक चाय वाला ही है, कहा चाय वाला आज कहाँ है, आज पहले चीज चाय कराओ कुछ कराओ, ऐसे तो अंबानी जी पेट्रोल पंप पे तेल गालते थे, आज कहाँ है अंबानी जी और आज मोदी जी कहाँ है। हर देश में चले जाओ मोदी जी के, जय भारत माता की, जय भारत माता की, सुनते हो देखते हो न्यूज में जब मोदी जी जाते हैं। अभी कई देशों का दौरा करा था, वहां देखा था कितने बढ़िया राष्ट्रीय गान अपने देश का अंग्रेज भी गा रहे थे, हिंदी में गा रहे थे, सुना हो तो किसी ने, ठीक है ना। तो देख लो वैल्यू यही समझ आ जाती है, वैल्यू किसकी है, क्यों इनको अब कोई पूछ नहीं रहा, इनकी पूछ नहीं रही, देश जागरूक हो गया है, जागरूक कुछ योगी और कुछ मोदी,
सब कुछ जागरूक हो गया देश में। अब जिसकी आंख मिच रही है तो मिची रहेंगी, वो खुलेंगी नहीं कभी। हमारे पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो भी यही कह रही है क्यों चले गए चांद पे, बंजर जमीन है, कुछ है नहीं, क्या कर लेते, पैसे बर्बाद कर दे जाते। अरे चांद पे वेटर है सनी देओल ने नलका भी ना पाटा था, इबकत है हुए था भाज गया सारा पाकिस्तान। जो भारत ने आज कीर्तिमान स्थापित किया है सचिन भाई, ये बताइए कैसा लग रहा है? सबसे पहले आप युवा मौजूद है, आज देश का इतना नाम हो रहा है पूरी दुनिया में, भाई बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। और भाई ये सबसे बड़ा श्रेय तो जाता है भाई हमारे जितने भी ये साइंटिस्ट है इसरो के, इनको जाता है। और भाई साइंटिस्ट ये पहले भी कर सकते थे, वही तो साइंटिस्ट है जो इसरो में पहले थे, लेकिन पहले इन बेचारों को सपोर्ट नहीं मिलता था, आज के टाइम सपोर्ट मिल गया इनको और देखो चांद पे पहुँचा दिए हैं। और आगे आगे जाके ये मान लो भाई चांद पे इंसान को भी उतार देंगे हमारे साइंटिस्टों के अंदर, इतना ज़्यादा ये मान लो दिमाग है। पर कह रहे कि इसरो जो है नेहरू जी ने स्थापित किया, नेहरू जी की सोच थी कि भारत कभी चांद पर पहुंचे, भारत की कीर्तिमान स्थापित किया, तो उसका श्रेय नेहरू जी को जाना चाहिए, कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं। ना भाई बिल्कुल सही बात कह है ये, नेहरू जी ने बिल्कुल श्रेय जाना चाहिए। यार एक बात बता, एक स्कूल में मैं पढ़ा हूँ और एक में तू पढ़ा है, मैं बन गया क्रिमिनल और तू बन गया साइंटिस्ट, और उसकी करी है स्थापना ये माले राकेश भाई ने, तो राकेश भाई को किस चीज़ का श्रेय देगा, मेरा क्रिमिनल बनने का श्रेय देगा या तेरा साइंटिस्ट बनने का श्रेय देगा? यार स्थापना चाहे किसी ने भी करी है, सपोर्ट भी तो करो या स्थापना ये करके बस अपने मतलब वो पल्ला झाड़ने वाली बात होगी यार, स्थापना करी यार अपने चलो अपने आप देख लेंगे आदमी, उनको सपोर्ट भी तो जरूरी है। इसरो को जब तक हम सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक हम ये मान लो अपने परचम नहीं लहराएंगे स्पेस के अंदर, जब तक कैसे काम चलेगा भाई? और जैसा कि आपने देखा है जितने भी ज़्यादातर अभी मैंने देखा, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई इस चीज़ की, जितनी भी मेरी माताएं बहनें थी वहाँ पे साइंटिस्ट थी जो, उन्होंने भाई अपना ये मान लो वस्त्र धारण कर रखे थे हिंदू परंपरा के, उससे साड़ी मंगलसूत्र वगैरह, और आजकल भाई छोटे छोटे कपड़े पहन के ये बोल देते हैं हम मॉडर्न हैं, हम फ्रीडम वाले हैं, इन्होंने क्या कर लिया भाई आज तक? और ये देखो इन्होंने हम चांद पर ले जाकर छोड़ दिए। अच्छा अब इस पे जब राजनीति होती है तो कुछ ऐसे लोग हैं जो मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। प्रकाश राज एक एक्टर है, उन्होंने एक फोटो ट्वीट की जिसको लेकर बड़े विवादों में आए कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो चाय छान रहे हैं और चांद के आकार में चाय बन रहे हैं, कहीं ना कहीं ये इसरो पर और मोदी जी पर तंज कस रहे हैं चाय के नाम पर। भाई ये इसरो पर और मोदी जी पर तंज नहीं कस रहे भाई, दर्द उठा है। अरे भाई दर्द उठते रहना चाहिए आदमी के, समझ गया भाई? जब तक वो हाथ था, जब तक हाथ तो ना दिखा स्पेस के अंदर, चाहे तो स्पेस के अंदर दिखगी, बहुत बड़ी बात है यार, मारते जो चाहे स्पेस के अंदर हमने दिखगी। अरे यार ये तंच कस रही है, मेरे तो एक बात बता, ये फिल्म बना हुआ है भाई हजार हजार करोड़ की, 800-800 करोड़ की, 600 करोड़ में तो हमने चांद पर रॉकेट भेज दिया, करके दिखा दो इतनी औकात होता है मेरे भाई। वाह बात है, जिसके बस की नहीं होती ना वो ये बह बह करे करे, अरे इन चीज़ जाते कुछ नहीं होना, चांद पर हम पहुँच चुके हैं, मंगल ग्रह पर हम पहुँचने वाले हैं, समझा भाई? बिल्कुल, पाकिस्तान से भी काफी लोग सामने आ रहे हैं कि क्या कर लिया चांद पर जाकर, चांद पर पहुंच के क्या मिलेगा, धरती पर रहो, धरती महत्वपूर्ण है, चांद पर पहुंच के भारत क्या कर लेगा? भाई वाह, एक भाई ने बात कही थी ना कि चांद पर झंडा होने में और झंडे पर चांद होने में औकात का फर्क होता है, है भैया चीज हकीकत है, औकात का फर्क होता है। उन नास्ते ही साइंस का ही ना बेरा, साइंस की चीज है, वे नु सोचा गधे पे गाड़ी बांध के चांद पे हम भी पहुंचा देंगे यार, यह कोई बात थोड़ी हुआ है, ये वाह बात है भाई, जिसके कम बस की नहीं होती वो सिर्फ बोलना जानता है, बोलने दो भाई। दुनिया सलाम कर रही है हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान वासियों को कि हिंदुस्तान ने इतना बड़ा कारनामा, रूस से भी नहीं हुआ यार, रूस तो हम तो बहुत ज़्यादा आगे मानते थे हम रूस को कि भाई डेवलप हमसे या बहुत ज़्यादा आगे, नासा को मानते थे, लेकिन भाई आज के टाइम पर देख ले हम पहुँच रहे हैं चांद पर, कोई भी नहीं हमारी टक्कर में। कांग्रेस वाले नू कहने लग रहे हैं यार कई मंत्री कि हम बधाई देना चाहते हैं कि भाई वहाँ पे आदमी जो यात्री पहुँचे हैं चांद पर, उन्होंने नुए नहीं बेरा पहुँचा के है, उन तो पूछ के देख लो, आम आदमी वाले नू कह नासा को हम बधाई देना चाहते हैं, जिन आदमियों ने बेरा ही नहीं एक देश के अंदर चाल के रहे हैं, उन आदमियों के हाथ में हम अपने देश की सत्ता कैसे दे दे, अपना भविष्य कैसे दे दे भाई, एक छोटी सी बात ये बता दो मेरे ताप। और ये जितने भी आदमी नू कहने लग रहे हैं ना कि भाई चांद पे पहुंच के कर लिया और वहां पे पहुंच के कर लिया, ये वे आदमी है और हिंदुस्तान के अंदर इतनी बड़ी अचीवमेंट हो जाती है तो उसको भी ये नाकारते हैं भाई। भाई मैं तेरे को बता तो रहा हूं, ये भी आ चीज देख लो, जो हमारे देश की सफलता देख के, हमारे देश की तरक्की देख के जो आदमी हमारे देश का खुश नहीं है तो हमारे देश का कैसे हुआ? उन आदमियों पर हम भरोसा कैसे कर ले, उन आदमियों को वोट दे के हम सत्ता में कैसे ले आए जो हमारे देश का भविष्य आने वाला भविष्य देख के और तरक्कियां देख के जलते हैं, उन आदमियों से कैसी अपेक्षा रखेंगे आप और हम या हमारी जनता?
अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया था जिसके बाद वो भी विवाद में आ गए। चांद मुबारक लिखा था उन्होंने सक्सेसफुल लैंडिंग पर। भाई लिखेगा अगला कोई बात ना यार, उनके वही बात है ना, जितनी जिसकी बुद्धि हो वो उतना ही काम करे। ये जिसके ऊपर चांद मुबारक लिखण लाग रहे हैं ना, वे आदमी ने सोचा करे आज इतना सा चांद दिखण लाग रहे हैं तो ये इतना है, बाकी गायब हो रहा है मेरे भाई। उनने उसके पीछे की साइंस का ना बेरा। अरे हम पहले वे यात्री हैं जो मतलब 14 दिन जापे रात रहती है, 14 दिन रहता है। हम पहला वो देश है जिसने वहां पर चांद के ऊपर रॉकेट लैंड कराया है, नहीं तो आज तक कोई भी ऐसा देश नहीं हुआ। हमारा पहला वो देश बना है मेरे भाई। यह चीज हमने देखनी चाहिए यार। हिंदुस्तान की जनता आज के टाइम पर बहुत ज्यादा समझदार है। हमने भारत बहुत ज्यादा बधाई आन लाग रही है। जड़ वो ही रहा, चाइना जैसा हो गया, पाकिस्तान हो गया और ये बाकी के देश हो गए, ये जल रहे हैं मेरे भाई। और इनके जो समर्थक है, जो आर पार इनका सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारे देश के टुकड़े करवाना चाह रहे हैं, यह बात भाई मैंने पहले भी कही है, दोबारा क्या हूँ। पहले देश के अंदर जब देश आजाद हुआ था, प्रधानमंत्री के 2 दावेदार थे, देश के 2 या 3 टुकड़े हुए थे देश के। प्रधानमंत्री पद के दावेदार 2800 हो रहे हैं, देश के कितने टुकड़े होंगे, वह चीज आप देख लो। वह चीज हिंदुस्तान की जनता के ऊपर छोड़ दो भाई। युवाओं से भी हमने बात की, कुछ बड़े हमारे साथ मौजूद है समाज के। सर क्या नाम है आपका? मेरा शिशपाल सिंह राठी। आपने वो समय भी देखा होगा जब भारत ने राकेश शर्मा को चांद पर भेजा, चंद्रयान 2 फेल हुआ, चंद्रयान 3 अब सक्सेसफुल हो गया है, पर कई लोगों को ये भारत की उपलब्धि हजम नहीं हो रही है, उनको बड़ा बुरा लग रहा है कि आखिर चांद पर कैसे पहुंच गया हमारा देश। वो इसे पचा नहीं पा रहे, खुशी जाहिर नहीं कर पा रहे अपनी, ऐसा क्यों? ये सब जो है गलत सोच है, पॉलिटिक्स है, कहाँ तक गिरेगी और गिरने का कोई हद होती है? वही आदमी जो ऐसी सोच रखते हैं जो है ना अपोजिशन के, और वो अपोजिशन ये इसलिए जो बार बार बात को रिपीट करते हैं क्योंकि वो ये चाहते हैं कि इनके जो गड्ढे हैं वो किसी न किसी वजह से भर जाएं, चाहे कोई अच्छी बात से या बुरी बात से, सब जो ना उन गड्ढों को भरने के लिए, लेकिन वो भरे नहीं है। ये मोदी है, उन गड्ढों को और खोदेगा। भाई क्या नाम है आपका? मेरा पुनीत नाम है भाई। आज देश ने कीर्तिमान स्थापित किया है, दक्षिणी ध्रुव पर भारत पहुंच चुका है चांद के, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो मैं हमारे देश के जितने वैज्ञानिक हैं, जितने साइंटिस्ट हैं, मैं उनका बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उसके अलावा हमारे जितने भी नेता लोग हैं, जितने हमारी बीजेपी सरकार के जितने भी सांसद हैं, जितने भी हमारे मुख्यमंत्री और जो हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है, और उनसे हमें हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ, आप इसी हिसाब से हमारे देश के आगे बढ़ाने के हिसाब से चलते रहिए। हमारा तो कांग्रेस नेहरू जी को दे रही कि नेहरू जी ने इसरो की स्थापना की, ये सब कहने की बातें हैं। जिस टाइम पे मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री होते थे तो हमारे नजफगढ़ के आसपास एक KMP एक्सप्रेसवे हाईवे गया है, जिस टाइम पे वो उन्होंने उसकी नींव रखी और उन्होंने चाहा कि एक ऐसा एक्सप्रेस हाईवे बने कि वो दिल्ली को जाम से मुक्त कर दे, लेकिन हमने क्या देखा, कांग्रेस टाइम पे वो काम बंद हो गया। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने उस काम को स्टार्ट किया और स्टार्ट कर अपनी सरकार में उन्होंने उस काम को कंप्लीट करके आज हमारे दिल्ली को और हरियाणा को जाम मुक्त करते हुए उसको एक्सप्रेसवे को चालू करके और काफी और काम भी किए हैं। तो अगर सर जो कह रहे हैं कि देश में भुखमरी है, बेरोजगारी है, लोग भूखे सोते हैं, उसके बाद चांद पर भेजने की क्या जरूरत थी? तो देखो ये तो सब कहने की बातें हैं। जो कोई भी इंसान है सबके हाथ पैर है, अगर वो कमाने की नहीं सोचेगा आजकल, जो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 2 पैसे कमा के अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँ, अच्छी शिक्षा दूँ या अच्छा खाना खिलाऊँ, तो वो सब कुछ कर सकता है। हमारे यहाँ युवा कुछ लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार है, वो ऐसी बातें करते हैं। और रही पाकिस्तान की बात, जैसे पाकिस्तान कह रहा है कि ये फेक वीडियो है, हमने देखा है ये हुआ कुछ हो रहा है, दिखा कुछ हो रहा है, तो मैं पाकिस्तान के मुँह पर तमाचा मारना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ असला बारूद बनाओ, अपने बच्चों को गोली चलाना सिखाओ, हम अपने बच्चों को साइंटिस्ट बनाएंगे, हम ऊपर से मारेंगे तुम धरती से मारो। और दूसरी चीज़ और मैं बता देता हूँ, इसकी जो अभी इसरो ने जो चंद्रयान जो अभी सक्सेसफुल हुआ है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये वहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ के जो उसका तापमान है, हम उसकी तुलना कर सकते हैं कि इसकी अंदर टेम्परेचर कितना है। उसके अलावा जो उसकी गर्मी से जो घन जो प्लाज्मा उसमें जो निकलता है, उसके तन्व में क्या बदलाव होता है, हम उसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी जितनी भी सैटेलाइट हैं, जब उनको हम लॉन्च करेंगे, यानी कि दूसरे देशों के लिए हम सैटेलाइट लॉन्च करेंगे और उनके लिए हम काम करेंगे, तो हमारे देश में बहुत बड़ी इनकम आएगी। तो उस देश को, उस चीज़ को सोचते हुए हमारी अगर जो इसरो ने जो प्लान किया है वो सक्सेसफुल हुआ है, उससे हमारे देश में इतनी इनकम होगी जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। हम अगर इंडिया में इंडिया का पैसा कमाएंगे, इंडिया का ही अपने देश में घूमता रहेगा तो हमारा कहीं नाम नहीं होगा, लेकिन अगर हम दूसरे देश से पैसा कमाते हैं और दूसरे देश के लिए कुछ करते हैं तो हमारे इंडिया का बहुत नाम होगा। अभी इसरो ने जो किया है वो वर्ल्ड में, पूरे विश्व में हमारा नाम किया है,
और जो देश हमें जानते भी नहीं थे आज वो हमें जानते हैं कि इंडिया क्या चीज़ है। वो मोदी को स्पेशली इनवाइट करते हैं, अपने देश बुलाते हैं और उससे सीखते भी हैं कि हमें कैसे देश को चलाना है। तो हमारे प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और बहुत बहुत बधाई। और साथ कर जो हमारे साइंटिस्ट है, जो पिछले टाइम लास्ट टाइम जो हमारा चंद्रयान पे जो रॉकेट हमारा जो है फेल हो गया था, जिसके कारण उनका थोड़ा सा नरमस्त हुए, थोड़ा काफ़ी दिन को सोचते रहे कि हमारे साथ ये क्या हुआ, हमारी इतनी मेहनत खराब गई। लेकिन उन्होंने फिर स्ट्रगल किया और 14 जुलाई को जो ये लॉन्च किया LMV-3 रॉकेट, और 42 दिन के बाद अपनी मेहनत से उनको वहाँ उतारा और इतनी सक्सेसफुल लैंडिंग उन्होंने कराई। तो ये आशीर्वाद है ऊपर वाले का और हमारी सरकार का। मैं सिर्फ यही गुजारिश करता हूं कि भेदभाव छोड़ दो, एक दूसरे के साथ रहो। कांग्रेस, बीजेपी या अन्य कोई पार्टी, आइडल कोच भी है, सब है तो इंसान ही। पहले देश के हित में सोचो, बाद में अपने बारे में सुना। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई हमारे साथ जुड़े। कुछ लोग आज, कुछ युवा और कुछ समाज के बड़े आज हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हमने बात की। जो भारत ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है उसको लेकर जो लोगों में हर्षोल्लास है, जो लोगों में खुशी है, वो कहीं ना कहीं साफ यहाँ पर देखने को मिली थी। और इस पर जो लोग राजनीति कर रहे थे उसको भी यहाँ पर मौजूद लोगों ने करारा जवाब दिया। इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों के क्या विचार है वो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ओ न्यूज़ हिंदी की पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।